देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। नजीबाबाद के माल गोदाम रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रैक पार करते समय एक महिला व उसके पुत्र की ट्रेन की चपेट में आकर मौत हो गई। मंडावली क्षेत्र के बुड्डी निवासी अब्दुल हबीब की पत्नी नाजबा अपने पुत्र वधु अफसाना के साथ बड़ापुर रिश्तेदारी में होकर लौट रहे थे। उनके साथ 3 वर्षीय असद व 7 वर्ष अल्तमस भी साथ थे। जैसे ही आदर्श नगर से माल गोदाम की तरफ ट्रैक के पास पहुंचे, अचानक ट्रेन आ गई और अफसाना और उसका पुत्र असद ट्रेन की चपेट में आ गए। ट्रेन की चपेट में आकर महिला व उसके पुत्र की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची जीआरपी व आरपीएफ ने दोनों शवों को कब्जे में लिया। देखते ही देखते मौके पर भीड़ जमा हो गई। गनीमत रही बूढ़ी दादी और उसका दूसरा पौत्र कुछ ही दूरी पर थे, वरना बेबी ट्रेन की चपेट में आ सकते थे। ये जो हादसा, क्या मामला था आज? ये रन थ्रू गाड़ी जा रही थी, लाइन पार कर रही थी, ये लेडीज जो थी अफसाना और अपने लड़के को लेकर के, और वो अचानक उनके उस ट्रेन से टकराने से मृत्यु हो गई। जब हमने पता किया तो फिर उसका नाम, उसकी सास भी साथ में थी, उसने उसके घर वालों को पता किया गया तो उनके घर वाले आ गए और उन्होंने बताया कि हम पंचायतनामा और पीएम नहीं कराना चाहते, अचानक ये इसमें किसी का दोष नहीं। कितने लोगों की मृत्यु हुई है सर? इसमें एक अफसाना और उसका लड़का असद, 3 साल। मौके पर परिजनों में कोराम मच गया। जीआरपी थाना प्रभारी आरपीएफ प्रभारी इंद्रकांत शर्मा ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। नजीबाबाद से संवाददाता सत्तार अहमद की रिपोर्ट, यूपी क्राइम न्यूज। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग।